नमस्कार, मिथिलांचल के पहले डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा में स्वागत है आप सबों का। आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क। भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर खुल गया है मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों का इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन निसंतान रोग विशेषज्ञ। मेडिकल छात्र की आम लोगों ने की जमकर पिटाई, शरीर पर कई जगह पेचकस घुसाया। विरोध में सड़क पर उतरे छात्रों ने खूब किया हंगामा, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। जनता दल यूनाइटेड दलित महादलित प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन आयोजित, शामिल हुए पार्टी के कई मंत्री और विधायक। स्वच्छता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर दें विशेष ध्यान, सात निश्चय योजना की जमीनी हकीकत जानने एवं लोक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा। 33वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, पत्रकारों ने लिया उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प। और साहित्य की भारतीय परंपरा विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना किसना दुल्हनिया कलेक्शन। किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार, भारत सरकार की NSDC द्वारा मान्यता प्राप्त। सर मिठाई खाइए सर। बिटिया ने 12वीं पास कर लिया। अरे वाह, आगे की पढ़ाई का क्या सोचा? अरे कहाँ गुंजाइश है। ना ना ना, जरूरत गुंजाइश की नहीं, समझदारी की। अरे आज ही बिटिया का एडमिशन DPMI में करवा दीजिए। DPMI बैठिए। पिछले 20 सालों से पैरामेडिकल का नामी इंस्टीट्यूट है। DPMI के पास आउट्स की डिमांड आज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी है। और हाँ, ये सब तुम्हारे बजट। DPMI सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। अ प्राउड मोमेंट फॉर दरभंगा। कोचिंग क्रिएट्स हिस्ट्री। बायोलॉजी एट द रेट फिंगर टिप्स, दिघी वेस्ट प्रोफेसर कॉलोनी दरभंगा। बाय डॉक्टर एम मनोहर, XLN कोटा। दस लाख छात्रों की सफलता का साथी, 150 से भी ज्यादा शहरों में मौजूद कैरियर लॉन्चर अब दरभंगा में। बैंक, SSC, CA, CS एवं लॉ की पढ़ाई अब एक ही जगह, शर्मा डायग्नोस्टिक्स के निकट बंगाली टोला लहेरिया सराय दरभंगा। डायल करें 8809491122। क्वालिटी एजुकेशन विथ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ योर चिल्ड्रेन। स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल विरदीपुर दरभंगा। CBSE करिकुलम, क्वालिफाइड टीचर्स फ्रॉम दार्जिलिंग। 5-acre कैंपस विथ ह्यूज प्लेग्राउंड, कंप्यूटर क्लासरूम, लाइब्रेरी, CCTV सर्विलांस, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। कमिंग अप इन फ्यूचर फुल्ली एयर कंडीशन क्लासेस, स्विमिंग पूल, शूटिंग रेंज एंड एयर कंडीशन हॉस्टल। फॉर मोर डिटेल्स डायल 9431460027, 9430014701 एंड 9709334301। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आर नेम टू ट्रस्ट अपॉन हेरू इंग्लिश स्कूल दरभंगा। क्वालिटी एजुकेशन विद बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, ऑल द व्हीकल्स आर इनेबल्ड विद GPS, रिच लाइब्रेरी, वेल इक्विप्ड सेपरेट कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स लैब, वेरी गुड फैसिलिटीज फॉर बोथ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स,
Complete school campuses under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 7763819774. Shailendra Jha, Principal. In the field of play school, a trusted brand, Nanhi Duniya, a Pathshala of Excellence, Mithila Colony, Lakshmi Sagar, Rajkumarganj, Dighi West, Darbhanga, Shankar Chowk, Madhubani, and Sector 116, Noida. World Peace, Environmental Awareness and Character Building. Playgroup, Pre-Nursery, Nursery, KG and UKG. Quality preschool education provides lasting benefits for children's development and futures. Multicultural exposure and opportunity for vertical grouping. For more details, dial 83109-63547, 95258-66807 and 99347-96024. हज और उमरा करिए हमारे साथ। पिछले 11 वर्षों से लगातार बढ़ा है हम पर आपका यकीन। नफीसा हज एवं उमरा ट्रेवल्स बाजार समिति गेट के सामने शिवधारा दरभंगा। पहले काफिले की रवानगी 15 अक्टूबर 2018 को, दूसरे काफिले की रवानगी मिलादुन्नबी के मौके पर 15 नवंबर 2018 को। इसी अनुसार जून 2019 तक हर महीने उमरा के काफिले की होती रहेगी रवानगी। हर रवानगी से 2 महीने पहले पासपोर्ट एवं फोटो आदि जमा करें और अधिक जानकारी के लिए ऑफिस से संपर्क करें या कॉल करें 9835686530 9939797975866। और समाचार विस्तार के साथ। मेडिकल छात्र की आम लोगों ने जमकर की पिटाई, शरीर पर कई जगह पेचकस घुसाया, विरोध में सड़क पर उतरे छात्रों ने खूब किया हंगामा, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। दरअसल पूरी घटना मंगलवार रात छात्राओं के साथ छेड़खानी के बाद मेडिकल छात्रों द्वारा आम राहगीरों की पिटाई के प्रतिरोध स्वरूप बताई जाती। मेडिकल छात्र की आम लोगों ने की जमकर धुनाई, शरीर पर कई जगह पेचकस घुसाया, विरोध में सड़क पर उतरे छात्र, खूब किया हंगामा। बड़ी खबर यह दरभंगा से है। बिहार के दरभंगा मेडिकल कॉलेज के छात्र एक बार फिर सड़कों पर हंगामा करना शुरू कर दिया इन्होंने। बुधवार को छात्र हाथों में लाठी डंडे लेकर सड़क पर उतर गए और सड़क जाम कर हो हल्ला मचाने लगे। साथ ही आपातकालीन अस्पताल सेवा भी कुछ देर के लिए ठप कर दी। आज के हंगामे का कारण बीती रात की घटना के बाद बदले की भावना से आज मारपीट की घटना हुई। दरअसल बीती रात दरभंगा मेडिकल कॉलेज की एक छात्रा से अनजान बाइक सवार दो लड़कों ने छेड़छाड़ की घटना की, जिसके बाद मेडिकल कॉलेज के छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर आ गया। गुस्साए छात्र अस्पताल रोड से आने जाने वाले कई बेकसूर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटने लगे। हालांकि देर रात पूरे मामले को पुलिस ने नियंत्रण में कर लिया, लेकिन बीती रात मेडिकल छात्रों के हाथों पीटे कुछ लोगों ने आज मेडिकल के 2 छात्रों को अपने मोहल्ले में पकड़कर जमकर धुन दिया और उन्हें अधमरा कर दिया। लात घूसों से पिटाई के साथ उसके शरीर पर कई बार पेचकस से भी वार किया गया, जिस कारण शरीर पर कई जख्म भी हो गए। गंभीर हालत में घायल छात्र को दरभंगा अस्पताल लाया गया, जहां उसका इलाज किया जा रहा है, जबकि पिटाई के समय मौजूद दूसरा छात्र भागने में कामयाब हो गया। इसी घटना के बाद छात्र उत्तेजित हो गए और अस्पताल के आपातकालीन सेवा को बंद कराकर सड़कों को अवरुद्ध कर हो हंगामा शुरू कर दिया। कई घंटों तक छात्र का उत्पात चलता रहा। मौके पर कुछ उपस्थित पुलिस के सिर्फ मूर्ख दर्शक बने रहने की खबर है। बाद में दंगा नियंत्रण सहित भारी संख्या में पुलिस बल के साथ डीएसपी अनुज कुमार खुद मौके पर पहुंचे और कॉलेज और अस्पताल प्रशासन के साथ छात्रों की बैठक कर मामले को शांत करने में कामयाब हुए। घटना की जानकारी देते हुए अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राज रंजन प्रसाद ने बताया कि आज 2 मेडिकल के छात्रों को कुछ लोगों ने पीट दिया है, जिसके बाद छात्र उग्र हो गए और इमरजेंसी सेवा, ओपीडी सेवा सहित अन्य सेवाओं को ठप करते हुए सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। इसके बाद प्राचार्य, डीएसपी, कई थानों के पुलिस सहित छात्रों के साथ बैठक हुई, जिसमें छात्रों की मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन देने के बाद छात्र शांत हुए और फिर से सारी व्यवस्था चालू हो पाई। इधर मौके पर मौजूद डीएसपी अनुज कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बीती रात छेड़खानी की घटना के बाद मेडिकल छात्रों से पिटाई खाए लोग मेडिकल के छात्रों के साथ नाका 5 के पास उन्हें पीटने लगे, जिसके बाद यहां कुछ छात्र हंगामा करने लगे, सड़क जाम कर दिया, लेकिन वार्ता के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। छात्रों की मांग है कि अस्पताल की सड़कों पर आम वाहन को आने जाने से रोका जाए। कोई नहीं बना रहा है।
हमर चैनल व्हाट्सएप पर चले है। दस बजे के लगभग दो छात्र मेडिकल के छात्र पांच डाका के निकट वहां के लोकल लोगों के द्वारा पकड़े गए और उन्हें बहुत बेतरतीबी से बहुत बेरहमी से मारा गया। एक लड़के को सुना है कि छुरा भी लगा है, कोई कर रहा पेचकस, कोई कर रहा छुरा लगा है, जिसके कारण वह काफ़ी घायल है और घायल इंजर्ड बहुत बुरी तरह से है और हॉस्पिटल में एडमिट है। इसके विरोध में छात्रों के घायल और इस तरह से मारने के विरोध में छात्रों ने आउटडोर को और इमरजेंसी को बाद का कार्ड ठप्प कर दिया है, बाकी इंडोर का कार्ड ऑपरेशन वगैरह होते रहे। इसी बीच में हम लोगों ने सभी विभागाध्यक्षों के साथ प्राचार्य के कक्ष में एक सभा का आयोजन किया, जिसमें के छात्र प्रतिनिधि भी थे और विभिन्न थाना के थानाध्यक्ष थे और यहाँ के DSP थे, OP थाना के थानाध्यक्ष भी थे। और इस पर ये लाया गया कि हम लोगों के साथ ये सब सुरक्षा की कमी है। एक तो हम लोगों का जो मार्जिन है, हॉस्पिटल कहाँ से कहाँ तक है, विभिन्न जगहों से इसमें घुसने का रास्ता है। कल जो है शाम में मेडिकल छात्रों के द्वारा बताया गया कि हॉस्टल से मेडिकल के स्टूडेंट जा रहे थे कोई बाइक से, उन पर कमेंट किया और चला गया। इसी बीच मेडिकल के छात्र लोग रोड पर आए, जिसमें आने जाने वाले यात्रियों के साथ मारपीट की गई। जो छिड़खानी के वो चले गए, लेकिन जो और उनके जो बाद में आए, कुछ जो गलतफहमियाँ में उनको पिटाई हो गई थी, हल्की फल्की चोट लगी, जिसमें एक व्यक्ति की सूचना हमें दी गई थी। जांच पड़ताल की जा रही थी कि आज जो है एक स्टूडेंट जो है सोनार से नाका 6 की ओर जा रहे थे, उसी क्रम में जो DMCH का टी-शर्ट पहने हुए थे, शायद बताया गया है, उन्हें उस लड़के जो है कि उनके साथ जो मारपीट की, तो मारपीट हुई तो उस क्रम में वो फिर वापस आए, छात्रों को बताया, तो छात्र लोग जो है कि उसी पर DMCH के सामने जो है कि रोड को थोड़ा सा ब्लॉक किए। फिर हम लोग आए, प्रिंसिपल वगैरह सारे से बैठ करके छात्र नेता से बात की, बात के क्रम में सारी जो भी यहाँ पर जो है त्रुटियाँ बताई गई उनको उस पर काम किया जा रहा है। जनता दल यूनाइटेड दलित महादलित प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन आयोजित, शामिल हुए पार्टी के कई मंत्री और विधायक। जनता दल यूनाइटेड महादलित प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन संपन्न। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दलित महादलित के लिए जो योजनाएं लाई गई हैं, इसका लाभ दलित महादलित परिवार को कैसे मिले, इसको लेकर आज दरभंगा जिला जनता दल यूनाइटेड दलित महाप्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन बहुउद्देशीय भवन में आयोजित किया गया। इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री मदन सहनी, मंत्री महेश्वर हजारी, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष सब बेनीपुर विधायक सुनील चौधरी, विधायक अमरनाथ गामी सहित कई विधायक और पूर्व विधायकों ने भाग लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष सुनील चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने दलित और महादलितों को क्या क्या दिया है। बाबा भीमराव अंबेडकर के बाद जितने भी लोग हैं केवल आरक्षण के प्रतिशत को लेकर विवेचना किए हैं, देने का किसी ने भी कोई काम नहीं किया, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा, दलित हो, महादलित हो। केवल इस देश में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हुए जो सर्वांगीण विकास के लिए, जो शोषित हमारे लोग हैं दलित महादलित, उनको उठाने के लिए मुख्यमंत्री रात दिन काम करते हैं, यह कहा विधायक सुनील चौधरी ने। अभी तो लोग समझ रहे हैं चुनावी पर्व है, इसमें लुभाने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया, केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दर्द को समझते हैं। दोस्तों,
के लिए और महादलितों के लिए सबसे ज़्यादा विकास करने का काम किया है। और आज अगर दलित समाज के हमारे छात्र UPSC में हो या BPSC में हो, अगर PT पास करते हैं तो उनको 50,000 रुपया और 1,00,000 रुपया आगे की तैयारी के लिए दिया जाता है। और जो छात्रावास में पढ़ने वाले छात्र हैं उनको 1,000 रुपया प्रत्येक महीना में दिया जाता है, साथ ही 15 किलो अनाज भी दिया जाता है। तो हमारे और जितने भी हमारे भूमिहीन पासहीन जितने दलित महादलित के लोग हैं उनको जमीन भी 5 किस्मिल मुहैया कराया जाता है। इससे पहले भी 3 किस्मिल जमीन उनको मुहैया कराया गया, अब सरकार ने महसूस किया कि उनको इससे ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत है तो 5 किस्मिल ज़मीन उपलब्ध कराया जाता है। और हर स्तर पर महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया पंचायत के अंदर। और हमारे पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा अगर बिहार के अंदर किसी को सम्मानित किया गया है तो वह दलित और महादलित समुदाय के रूप में। और आपको मैं हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने जो दलितों और महादलितों के लिए जो किए हैं उसके कच्चा चिट्ठा को खोलना है कि देखिए इस समाज को क्या क्या उन्होंने दिया। आप गौर करके देखेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के बाद, बाबा के बाद जितने भी लोग हैं केवल आरक्षण को परसेंटेज को लेके विवेचना किए, देने का कोई काम नहीं किया। चाहे वो अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, केवल और केवल इस देश में एक मुख्यमंत्री हुए नीतीश कुमार जी जो कि सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, तो सर्वांगीण विकास में शरीर के जितने भी अंग हैं सबका विकास होना चाहिए। जो श्रमिक शोषित वर्ग हमारे दलित और महादलित हैं उसको उठाने के लिए उन्होंने क्या किया। और बिहार एक ऐसा राज्य है, आप डाटा उठा के देखिए कि जितना काम यहाँ के लोगों के लिए हुआ उतना शायद कहीं के लिए नहीं हुआ। आज BPSC के PT परीक्षा पास करते हैं तो 50,000, मेंस पास करते हैं तो 1,00,000 रुपया, आवास की योजना, भूमिहीन आवासहीनों के लिए 3 डिसमिल जमीन की बात हुई, उनकी महादलित और दलित दोनों की संपर्कता ग्रामीण सड़क से कैसे बहाल हो, रात दिन मुख्यमंत्री उस पर काम कर रहे हैं। अभी तो आप समझते ही हैं जिस तरह पर्व का समय शुरू हुआ है, चुनाव भी एक पर्व है, इसमें लुभावने वाले बहुत लोग हैं और मुख्यमंत्री जी को एक तरफ से जो काम किए हुए हैं और जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं अभी सब इन लोगों को झुंझुना देंगे कि हमने तुम्हारे लिए ये किया ये किया। वास्तविकता है कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया, केवल और केवल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जो दलित और महादलित के दर्द को समझ के। स्वच्छता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर दें विशेष ध्यान, 7 निश्चय योजना की जमीनी हकीकत जानने एवं लोक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा। स्वच्छता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर दें विशेष ध्यान, कहा दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने। गांव में सरकार के 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानना, समझना एवं आमजनों की समस्याओं को दूर करना ही लोक संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने दरभंगा सदर प्रखंड के रानीपुर पंचायत के वार्ड नंबर 4 के महादलित टोला में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि लोगों के द्वारा लोक संवाद कार्यक्रम में जितनी तरह की समस्याएँ उठाई जाती हैं उनके समाधान के लिए जिला प्रशासन द्वारा गंभीरता से प्रयास किए जाते हैं। कार्यक्रम में उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वह पंचायत में व्याप्त समस्याओं के बारे में बेझिझक बताएं। रानीपुर पंचायत के मुखिया राजकुमार दास ने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि रानीपुर पंचायत में एक ट्रांसफार्मर लगवाना सुनिश्चित करें क्योंकि ट्रांसफार्मर न होने से काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जिलाधिकारी ने बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी को आदेश दिया कि वे तुरंत सर्वेक्षण कर आवश्यक संख्या में पोल एवं ट्रांसफार्मर लगाने का काम पूरा करें। जिलाधिकारी ने लोगों से आग्रह किया कि जिन लोगों ने अभी तक अपने घरों में विद्युत कनेक्शन नहीं लिया है वे सरकार द्वारा दिए जाने वाले निःशुल्क विद्युत कनेक्शन को अपने घरों में करवा लें तथा आगे से समय पर बिजली बिल का भुगतान भी करें। गांव में सड़क की समस्या पर जिलाधिकारी ने मनरेगा या पंचायत में उपलब्ध अन्य फंड से इस सड़क को मरम्मत करा लेने का निर्देश दिया। जल निकासी की समस्या पर जिलाधिकारी ने मुखिया एवं पंचायत के कनीय अभियंता को निर्देश दिया कि जहां नाला का निर्माण संभव नहीं है वहां 3-4 घरों पर एक सोख्ता का निर्माण करवाएं।
पंचायत में एक भी उच्च विद्यालय न होने पर जिलाधिकारी ने पंचायत में पूर्व से उपलब्ध मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में उत्क्रमित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश जिला शिक्षा पदाधिकारी को दिया। उन्होंने लोगों से कहा कि उच्च विद्यालय के लिए 1 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है। स्कूल के बगल में अगर कोई सरकारी भूमि है तो उसे चिन्हित कर स्कूल को ट्रांसफर कराएं, अथवा अगर कोई व्यक्ति भूमि दान के इच्छुक हों तो वे स्कूल के लिए अतिरिक्त जमीन का दान भी कर सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपने बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए सरकार के द्वारा आर्थिक हल, युवाओं का बल, कुशल युवा कार्यक्रम एवं स्वयं सहायता भत्ता जैसी कई योजनाएं चल रही हैं, इनका लाभ उठाएं। डीएम ने कार्यक्रम में सभी लोगों को अपने घरों में शौचालय बनवाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि शौचालय परिवार के स्वास्थ्य, मान मर्यादा एवं सुरक्षा का प्रतीक है। 33वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके आवास पर आयोजित हुई श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने की उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की चर्चा। पत्रकारों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, उनकी दिखाई राह पर चलने का सबों ने लिया संकल्प। 33वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, भगवान दास मोहल्ला स्थित उनके आवास पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ। पत्रकारों ने भावभीनी श्रद्धांजलि दी और उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर एक प्याऊ का भी उद्घाटन हुआ। वार्ड नंबर 21 की पार्षद और स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा के पुत्र वधु मधुबाला सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। प्याऊ आम लोगों के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा, शीतल जल के साथ। संयोग से जब मास थी 3 साल पहले तो एक वाटर टैंक दिया था, 3 साल चला, पुनः एक बड़ा टैंक इस बार भी हम लाए हैं पिताजी और माँ के नाम पर। और एक और हम लोगों ने डीप फ्रीजर लिया है, जो जिसका उपयोग लगातार ज़रूरत महसूस की जाती है। कोई लाश वगैरह अगर आ जाती है तो 72 घंटे तक उसको रखा जा सके, ताकि उसके परिजन जब तक ना आ पाए, या फिर लावारिस लाश वगैरह हम लोग लाते हैं उसके लिए। तो आज के इस मौके पर ये दो चीज़ हम लोग इस समाज को दे रहे हैं, यथासंभव हमारी कोशिश होती है। पत्रकारिता जो है बहुत कठिन छे, आपके पत्रकारिता जो है बहुत आसान हो गई है। व्हाट्सएप पर अहाँ किछु के किछु दऽ सकै छियै, लेकिन सबसे दुखद स्थिति एकटा छै जे समाचार पत्र जे समाचार आबि रहल छै ओहिमे चोरी, लूट, हत्या, बलात्कार के समाचार जै विशिष्टता के साथ संग छापल रहै छै, है ना, विकासक कार्यक रेखा देखा ओहिमे नहि होइ छै। जबकि पत्रकार के कि जिस जमाने में 10-12 पत्रकार चंद्रदेव नारायण सिन्हा जी के समय में हुआ करते थे, और आज सैकड़ों हमारी संख्या है, लेकिन पत्रकारिता आज के दरमियान मुकाबला करें तो उस वक्त ज़्यादा धारदार थी, ज़्यादा प्रभावकारी थी और ज़्यादा असरदार थी उन दिनों की पत्रकारिता। हम लोग तो देख नहीं पाए, लेकिन सुनते हैं उनके बारे में कि 2 लाइन की खबर अगर सर्च लाइट में छप जाया करती थी तो हंगामा मच जाता था। आज हम लोग घंटों चिल्लाते रहते हैं, लेकिन पत्रकारों की बात पर भी उतना असर नहीं हो पाता है। ये एक ऐसा अवसर है जब हम अपनी स्थिति का भी आकलन करते हैं। हमारा संगठन यहाँ नहीं है, और है भी तो हम लोग एकजुट नहीं हो पाते हैं। विद्वानों को एकजुट रख पाना भी काफ़ी कठिन है, लेकिन अगर हम लोग प्रयास करें एक नए सिरे से तो यह संभव भी है। एक छोटी सी बात मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ, जो पहले भी कहता रहा हूँ, जो हमारे सीनियर्स हैं उन लोगों के लिए तो कुछ नहीं कहना, क्योंकि उनसे हम लोगों ने सीखा है, लेकिन जूनियर जो हम लोगों के बाद की पीढ़ी है उसमें हम लोगों में और सीनियर्स में एक गैप हो गया है कम्युनिकेशन का। जूनियर समझते हैं कि हम इनसे बात करें या नहीं करें, ये सीनियर हैं और हमको लगता है ये तो हमसे बात ही नहीं कर रहा है, ये बड़ा घमंडी है। तो उन अपनी जगह उनकी सोच सही है, हमारी जगह हमारी सोच सही है, लेकिन हम लोग कम्युनिकेशन गैप के चलते एक दूसरे के बिना सोचे समझे विरोधी बन जाते हैं। जूनियर्स को भी ये चाहिए कि आपने सारी ताकत अपनी लगा दी है शिक्षा को ग्रहण करने में, आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जो लर्निंग है उसको आपने बहुत पीछे छोड़ दिया। आपकी लर्निंग यह बताती है कि आपके कहीं कोई सीनियर है तो आपको उनसे सीखना चाहिए। छोटे से भी सीखा जा सकता है, न तो सीखने की कोई उम्र होती है। मैं पत्रकारिता की पीजी की परीक्षा जब देने जा रहा था पटना, तो बहुत ही बुजुर्ग आदमी
परीक्षा कक्ष में बैठे हुए, तो मुझे लगा कि ये तो इन्विजिलेटर होंगे जरूर, तो मैंने उन्हें प्रणाम कर लिया कि मेरी परीक्षा यहाँ होने वाली है। उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं भी आप ही के साथ परीक्षार्थी हूँ, मैं मोतिहारी से आया हूँ पटना में यह परीक्षा देने के लिए। तो मुझे लगा कि मुझसे 20 साल तकरीबन बड़े व्यक्ति जब परीक्षा देकर पत्रकारिता की पढ़ाई कर सकते हैं तो नई पीढ़ी को तो बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, क्योंकि दिखाई राह पर हम चल सकें, उनका एक भी सपना हम पूरा कर सकें, यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एक बार नमन करता हूँ इस पूरे परिवार को। इस परंपरा से हम सबको सीख लेनी चाहिए। दो बातें जो एक संतोष जी ने कही और एक विनोद बाबा ने कही, ये इन्होंने कहा कि पहले सर्च लाइट में दो लाइन की खबर छप जाती थी तो उसका बड़ा असर होता था। आज की तारीख में हम लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, चैनल चिल्लाते हैं, अखबार लंबी लंबी हेडिंग छापते हैं, उसका असर नहीं होता। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आज की तारीख में पत्रकारिता का स्तर काफ़ी गिरा है। नई चीज़ें आई हैं, नई तकनीक आई है, पत्रकारिता आसान हो गई है, लेकिन जिन मूल्यों की चर्चा होती थी, जो असर थी, वो अब मुश्किल हो गया है। पत्रकारिता आसान हुई है, उसका असर, खबर का असर मुश्किल हुआ है, ये चिंता की बात है। हम सब ये चिंता जता रहे हैं कि पत्रकारों में कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, पीढ़ियों का अंतर है, जो जूनियर्स आते हैं वो हमारी बात नहीं समझते, हम उनकी बात नहीं समझते। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आदरणीय चंद्रदेव बाबू के समय में जो पत्रकारिता थी वो गुरु शिष्य की परंपरा थी, जो हमारे देश की सबसे विशिष्ट परंपरा रही है। आज की तारीख में वो परंपरा, उस परंपरा का ह्रास हुआ है। हम ये नहीं कहते कि जो जूनियर आते हैं वो सीखना नहीं चाहते, हम ये भी नहीं कहते कि जो सीनियर हैं उन्हें सिखाना नहीं चाहते, लेकिन कॉरपोरेट का जो दौर है, मीडिया जिस दौर में आज प्रवेश कर गया है, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। कॉरपोरेट आपको सिखाना नहीं चाहता है, आपको अपनी लकीर पे ले जाना चाहता है, आंकना चाहता है। आप पत्रकार ना बने, आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ना बने, उसके लिए कलम चलाने वाले और उसके लिए कैमरा से विजुअल बनाकर भेजने वाले सप्लायर बने, ये कॉरपोरेट चाहता है। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और इस दौर में जब जो नई पीढ़ी पत्रकारों की आ रही है, किसी कॉलेज से, किसी संस्थान से, किसी विश्वविद्यालय से पढ़ के आ रही है, तो उस संस्थान में जो व्यावहारिक पत्रकारिता है उसकी शिक्षा उसे नहीं दी जाती है। जो कि न्यूज स्टूडियो पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, भरोल लौटेंगे। अब स्कूटी चलाइए सबसे अलग अंदाज में, ले जाइए गाड़ी मात्र 3,999 रुपए के डाउन पेमेंट पर, इजी फाइनेंस भी अवेलेबल, पाइए 5,000 का फ्री पेटीएम कैशबैक, इंश्योरेंस, एसेसरीज और रोड साइड असिस्टेंस। आइए 70 वर्षों से स्थापित ब्रांड वेस्पा और नंबर वन रेसिंग बाइक और स्कूटर एप्रिलिया के शोरूम आरएस ऑटो सिवधारा दरभंगा में 125, 150 एवं 154 सीसी की स्कूटी, 3 वॉल्व्स इंजन, आकर्षक रंग, सिंगल चेसिस, सेल्फ स्टार्ट, डिस्क ब्रेक, मोबाइल चार्जिंग, ट्यूबलेस टायर और मेटल बॉडी। डायल करें 9430527162, 9430527163। मनाइए उत्सव हमारे संग, साड़ी, लहंगा, सलवार सूट एवं कुर्ती और भी बहुत कुछ, आकर्षक रंग, खास एवं आधुनिक डिजाइनों के कपड़े। उत्सव क्रिएशन, विभा पैलेस, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के निकट, मिर्जापुर, दरभंगा। कॉल करें 9470439689 और 9891984679 पर। श्री कलेक्शन एंड श्री सारीज, टावर चौक, दरभंगा। लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर का अनोखा संगम। एलेन सॉली, वैन हुसैन, ली, रैंगलर, लिवाइस, मोंटे कार्लो, मान्यवर समेत सभी लीडिंग कंपनियों के कपड़े। हमारी खास पेशकश, श्री सारीज में पाइए प्योर सिल्क, कांजीवरम, डिजाइनर, सिफोन एंड बुटीक साड़ियों की रेंज, दुल्हन लहंगा, गर्लिस लहंगा, कॉटन एंड फैंसी सूट पीस। अब घर बनाइए कुछ नए अंदाज में, नाडा ब्रिक्स, कमतौल रोड, शीशो, दरभंगा। लीजिए ईंट डैम प्रूफ यानी नोनी से मुक्ति, फायर प्रूफ मतलब आग से बचाव, एक बराबर साइज तो मटेरियल में 30-35% की बचत, ईंटों की खपत भी 10% तक कम, समतल साइज मतलब प्लास्टर में 40% तक की बचत, मिट्टी की ईंट से 10 गुना ज्यादा मजबूत, इको फ्रेंडली यानी गर्मी में ठंडा और ठंडा में गर्म का एहसास। ब्रेक के बाद अपना आपका स्वागत, बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस। हेडलाइंस आर स्पॉन्सर्ड बाई ओमेगा स्टडी सेंटर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा।
अ ट्रस्टेड इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ आईआईटी जी मेडिकल प्लस टू बोर्ड प्री फाउंडेशन फॉर क्लासेस 7th to 10th एनटीएससी एंड ओलंपियाड। मेडिकल छात्र की आम लोगों ने की जमकर पिटाई, शरीर पर कई जगह पेचकस घुसाया, विरोध में सड़क पर उतरे छात्रों ने खूब किया हंगामा, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। जनता दल यूनाइटेड दलित महादलित प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन आयोजित, शामिल हुए पार्टी के कई मंत्री और विधायक। स्वच्छता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर दें विशेष ध्यान, 7 निश्चय योजना की जमीनी हकीकत जानने एवं लोक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा। 33वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, पत्रकारों ने लिया उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प। और साहित्य की भारतीय परंपरा विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग। साहित्य की भारतीय परंपरा विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में किया गया। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर भगवान सिंह ने व्याख्यान दिया। मनुष्य और मनुष्यतर प्राणियों के साथ रागात्मक और सहसंबंध भारतीय साहित्य की सर्वप्रमुख विशेषता है, जबकि यूरोपीय साहित्य में इसका अभाव दिखाई पड़ता है। भारतीय चिंतन परंपरा में धरती माता है और आकाश पिता हैं। मांगलिक अमांगलिक कार्यों में प्रकृति का साहचर्य बना रहता है। रामचरितमानस में वन गमन के समय कौशल्या माता सीता को आशीष देती हैं, अचल हो अव्यात तुम्हारा जब लगी गंग जमुना जलधारा। यहाँ प्रकृति के साथ रागात्मक और संबंध स्पष्टता परिलक्षित होता है। यूरोपीय साहित्य में प्रकृति के प्रति यह भाव नहीं है। प्रसिद्ध गांधीवादी चिंतक और तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हिंदी के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर भगवान सिंह ने विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में साहित्य की भारतीय परंपरा विषय पर विशेष व्याख्यान देते हुए उपरोक्त विचार रखे। इस विशेष व्याख्यान की अध्यक्षता पूर्व हिंदी विभाग अध्यक्ष सह मानविकी संकाय अध्यक्ष डॉक्टर रामचंद्र ठाकुर ने की और संचालन विभाग अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभानु प्रसाद सिंह ने किया। यूथ फेस्टिवल का भव्य शुभारंभ हुआ मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत आरबी कॉलेज दलसिंहसराय में। मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत आरबी कॉलेज दलसिंहसराय में यूथ फेस्टिवल का शुभारंभ हुआ। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल निशीत राय ने सभी कर्मियों के साथ लोक सूचना विभाग का निरीक्षण किया। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कर्नल निशीत कुमार राय ने सभी कर्मियों के साथ लोक सूचना विभाग का निरीक्षण किया। उसमें उन्होंने सभी कर्मियों से लोक सूचना विभाग के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया। भाकपा माले का जिला स्तरीय पार्टी क्लास संपन्न कार्यकर्ताओं के समक्ष रखा गया पार्टी का घोषणा पत्र। भाकपा माले का जिला स्तरीय पार्टी क्लास संपन्न। कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र पर भाकपा माले का जिला स्तरीय पार्टी क्लास जिला सचिव वैद्यनाथ यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। क्लास में शिक्षक के बतौर राज्य शिक्षा विभाग के सदस्य व वरिष्ठ नेता आर के सहनी ने कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा पत्र पर पूरा विस्तार से इसे रखा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का मजदूरों पर हमला जारी है, बिना पार्टी विचारधारा को मजबूत किए भाजपा और आरएसएस से लड़ाई संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 में भाजपा का खात्मा तय है। देश में फासीवादी ताकत है जो देश के संविधान को तोड़ने का काम कर रही है, आवाज़ को दबाया जा रहा है, जिसके खिलाफ यह कम्युनिस्ट घोषणा पत्र कारगर हथियार साबित होगा। भारत वर्ष जैसा देश जो विकासशील देश है, ये देश जब मुक्त होगा तब अमेरिका का मजदूर मुक्त होगा। हमारे देश से लूट करके पैसा जब अमेरिका जाना बंद होगा तब अमेरिका में क्रांति होगी, तब वहाँ संकट पैदा होगा, ये स्थिति होती है। वो अपना जो मार्केट का वैल्यू है, उसका रेट है, वो बनाए रखना चाहता है और इस वजह से वह पूंजीवाद मजदूरों का सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा हत्यारा है, सबसे बड़ा दुश्मन है, जो हमको खाने बिना, कपड़ा बिना, मकान बिना, हमारी तमाम जरूरत की जो हम ही पैदा किए उसको बर्बाद कर देता है, फेंक देता है, लेकिन हमको वो करने के लिए नहीं देता है। हमारे पास खाली जेब है, उसमें पैसे नहीं है, लेकिन मार्क्स के लिखे हुए, एंगल्स के लिखे हुए जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र है उसका अध्ययन कर रहे हैं। इस घोषणा पत्र में जो लिखी हुई बातें हैं वह आज की स्थिति में भी सजीव हैं, जीवंत हैं और पढ़ने से लगता है कि आज की ही बातें उसमें हैं। इस बात के जरिए हम लोग
देश के मजदूर वर्ग को, मेहनतकश को, गरीबों को अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ने के में संगठित करने का काम करेंगे। आज जो देश में फांसीवादी ताकत है, जो देश के लोकतंत्र को बर्बाद करने पर तुला है, जो देश में संविधान को जलाने पर तुला है, जो देश में एक फांसीवादी शासन स्थापित करने के लिए तुला है, जो आज तक के मजदूर वर्ग के तमाम अधिकारों को छीन लेना चाहता है, उसके खिलाफ हम इस कम्युनिस्ट घोषणा पत्र से वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक शक्ति और विचार पा करके आंदोलन को तेज करेंगे। तो आज कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का अध्ययन जिला भर के कुछ चुनिंदा साथियों के साथ हम लोग कर रहे हैं और इस कार्यशाला के माध्यम से हम लोग दरभंगा जिला में मार्क्स एंगेल्स के द्वारा जो लिखा गया घोषणा पत्र है, इसका अध्ययन हम नीचे तक शाखा सचिव तक करेंगे। और आज जो हमारे देश की सरकार है, किस तरह से कल ही आपने देखा जब पूरा देश गांधी जयंती मना रहा था, पूरा देश जब गांधी को याद कर रहा था, तो उस समय में हजारों हजार किसान कह रहे थे कि जिस गांधी को नाथूराम गोडसे ने गोली मारा था, उस गांधी के चित्र पर उस गोडसे के मंदिर बनाने वाले नरेंद्र मोदी माल्यार्पण कर रहे थे, तो इसके खिलाफ किसानों ने कहा था कि गांधी ने तो चंपारण से किसान विद्रोह को खड़ा करने का अगुवाई किया था, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आज कृषि संकट के खिलाफ हम उस गांधी के मूर्ति तक जाना चाहते हैं, राजघाट तक जाना चाहते हैं। तो किस तरह से आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने उन हजारों किसानों को राजघाट तक नहीं जाने दिया और किसानों के ऊपर बर्बर लाठी चार्ज और दमन का रूप सामने लाया। कल ही पूरे देश में भाकपा माले और अखिल भारतीय किसान महासभा के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी विरोध कार्यक्रम है। दरभंगा में भी किसान महासभा और भाकपा माले के लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन करेंगे, किसानों पर जो दमन हुआ है उसकी निंदा करेंगे। और आज दरभंगा के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि किसान अपने द्वारा रोपे गए धान को बचाने के लिए डीजल से पंपिंग सेट से पटवन का काम कर रहे हैं और नीतीश की सरकार, मोदी की सरकार सोई हुई है, किसानों को कोई मदद नहीं कर रही है। तो ये किसानों को मदद करो, किसानों को जो उत्पादित सामान है उसका गोडाउन का व्यवस्था करो, बाज़ार का व्यवस्था करो। उसके लिए जो स्वामीनाथन आयोग ने जो रिपोर्ट दिया है उस रिपोर्ट को लागू करो, उनके जो लागत मूल्य हैं उनका डेढ़ गुना समर्थन मूल्य करो, इस मांग को हम उठाएंगे। हम इस कार्यशाला के माध्यम से यह भी आपको बताना चाहते हैं कि आज हम लोग मार्क्सवाद को पढ़ रहे हैं। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा 9 अक्टूबर को दरभंगा एवं मधुबनी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होंगे। तैयारियों को लेकर आयोजित हुई बैठक। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा आगामी 9 अक्टूबर मंगलवार को मिथिलांचल की धरती दरभंगा और मधुबनी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में शामिल होंगे। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय में जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक आयोजित हुई। ये जब तक के समाचार, बदलेंगे आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। मेडिकल छात्र की आम लोगों ने की जमकर पिटाई, शरीर पर कई जगह पेचकस घुसाया, विरोध में सड़क पर उतरे छात्रों ने खूब किया हंगामा, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ इलाका। जनता दल यूनाइटेड दलित महादलित प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन आयोजित, शामिल हुए पार्टी के कई मंत्री और विधायक। स्वच्छता के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई पर दें विशेष ध्यान, सात निश्चय योजना की जमीनी हकीकत जानने एवं लोक संवाद कार्यक्रम में पहुंचे जिलाधिकारी ने कहा। 33वीं पुण्यतिथि पर याद किए गए दिवंगत पत्रकार स्वर्गीय चंद्रदेव नारायण सिन्हा, पत्रकारों ने लिया उनकी दिखाई राह पर चलने का संकल्प। और साहित्य की भारतीय परंपरा विषय पर विशेष व्याख्यान का आयोजन मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले क्षण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। आप हमारे चैनल को GTPL केबल के 986 नंबर पर देख सकते हैं। YouTube में न्यूज टुडे दरभंगा आप सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद।